तो इसी सरकार ने की है। अगर हमारे अंदर फॉल्ट था तो हमें कोई प्रमोशन एसीपी क्यों दी? बहुत बड़ा इशू है। अगर हम एलिजिबल थे, हमारे 400 साथी प्रमोशन लेके डीपी बने हैं, जिनमें से मैं एक बैठा हूँ आपके बीच में कैथल में, तो अगर हम काबिल थे तभी बने ना। अगर राजेश कुमार डीपी, हम यही मानते आए थे कि सरकार हमारे साथ है, पर सरकार ने जो है हमें सड़कों पे ला दिया, हमारे बच्चों को सड़कों पे ला दिया। राजेश कुमार पीटीए, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा इसलिए किया था ताकि हम अपना गुजारा खुद कर सके। एक तो भगवान की मार हो गई कि हस्बैंड भी एक्सपायर हो चुका है, बच्चे हमारे सड़क पे आ चुके हैं, जैसे कल हादसा हुआ हमारा कि शिक्षा मंत्री आए और वहाँ पे हमें टक्कर मार के ऐसे चले गए, वो सब लाइव हमारे बच्चों ने देखा, तो हमारे बच्चों ने सुबह रात तक खाना नहीं खाया क्योंकि हम घायल हो चुकी थी। आप दर्द दर्द देखिए सर, ये खुद एडमिट थे। ये मैं मीडिया को चाहूंगा प्लीज इसको कवरेज दें। आप ये दर्द देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वो सेना में थे, बहुत अच्छे उन्होंने परफॉर्म किया, 6 उग्रवादियों को उन्होंने मारा है और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों से उनको सम्मानित किया गया है और शौर्य अवार्ड दिया गया है। ऐसे ऐसे लोगों को भी, मतलब ऐसे ऐसे जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के अपने देश की रक्षा की है, उनके लिए भी आप ऐसे विचार रख रहे हो मिस्टर जवाहर यादव विशेषकर। मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे सैनिकों पे भी, जिन्होंने अपनी जान को खेल के अपने देश की रक्षा की है, उनको आप कह रहे हो और मीडिया में बैठ के हंस रहे हो। अरे आप नहीं जानते श्रीमान हमारे ऊपर क्या बीत रही है। और शिक्षा मंत्री और सीएम साहब जो सिर पर हाथ रख दिए कि हमारी बहनें हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इन आंसुओं की कदर करें। मीडिया प्लीज इस चीज को दिखाए कि ये महज एक पानी ना समझे, ये इनके आंसू है, आपकी बहन का दर्द है, ये सच्चाई है। आप इन चीजों को समझे और बीच का रास्ता निकाले, यही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। वरना क्या होगा वो हम बता चुके हैं, हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रोजगार से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारी जान भी रोजगार से बढ़कर नहीं है। इसके बाद सारी बातें समाप्त होती है। अगर आपका कोई सवाल है तो हम बैठे हैं।